मियां आज फिर एक टॉस की स्लाइट कंट्रोवर्सी तो नहीं मैं कहूंगा, थोड़ी सी एम्बिग्विटी, फिर वही डेविड बून उन्होंने पहले इंडिकेट किया राशिद खान को फॉर विनिंग द टॉस, और फिर उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप जीत गए आप इंडिया बैटर, इसको कैसे देखा आपने आज? गुड कंड्यूसिव पिच, अच्छी पिच थी, बैटिंग अच्छी की ना, 150 की पिच के ऊपर 182 रन किए, तो टॉस जीत के सही बैटिंग की है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर 160 करता ना, इनकी बॉलिंग आती है ये पीछे पड़ जाते हैं। अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए करें कि भाई हमसे गलती हो गई, तीन खिलाड़ी आउट हो गए यार आपको। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। देखिए वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है इंडिया से हार गई, आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है, क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया सर, मैंने इसीलिए ज्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। हाँ जी, मान लिया कि ये सारी बातें सच है पाकिस्तानियों की, मान लिया कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो जानबूझकर हारती है हिंदुस्तान से, ये सब कुछ समझ लो ये हकीकत है, तुम क्यों हारते हो ये बताओ। तो ये बताएं बासित भाई, अफगानिस्तान आज उतना इंप्रेस नहीं कर सका, विराट कोहली क्या चक्कर है आपके? 29 रन पूरे वर्ल्ड कप में अब तक है ना, कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम है, कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज दो बार जीत के आ गए हैं, और आज तीन आउट होने के बाद भी गेम को ले गए 182 तक ले गए, और एक बड़ा स्कोर होता है उसके बाद ले जाते हैं। बात ये है कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, बात ये कि लोगों को मजा नहीं आता, हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई कौन सी क्रिकेट खेली आपने, क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है वो कि अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा, और हमारे लिए शायद अमरीका के डॉलर इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इम्पोर्टेंट। इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी, अल्लाह माफ करे भाई, खुद जो है इतना गंदा पिल जाते हो, हर साल हिंदुस्तान तुम्हें ठोकता है और तुम अफगानिस्तान की बात करते हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत की जीत हो और पाकिस्तानी जले नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, और वो भी अगर भारत अफगानिस्तान से जीतता है तो इनकी जलना दोगुना हो जाता है, क्योंकि आए दिन अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में इनको पेलने लगा है, और जो भारत है, भारत से अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीत पाता, तो इसीलिए ये पाकिस्तानी हमेशा बात करते हैं कि भाई जो अफगानिस्तान फेवर देता है भारत को और जानबूझ के मैच हारता है, और अगले साल भी यही कहना था, इस साल भी यही कहना है कि भाई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अफगानिस्तान खिलाड़ी है वो जानबूझकर भारत से मैच हारते हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। आज फिर एक टॉस की स्लाइट कंट्रोवर्सी तो नहीं मैं कहूंगा, थोड़ी सी एम्बिग्विटी, फिर वही डेविड बून उन्होंने पहले इंडिकेट किया राशिद खान को फॉर विनिंग द टॉस, और फिर उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप जीत गए आप इंडिया बैटर। देखिए मैंने कभी नीचे आने में काम नहीं किया। सूर्य कुमार यादव बेसिकली आज फॉर्म में लग रहा है, जो शॉट्स खेली है उन्होंने राशिद खान को स्पेशली, अच्छी बॉलिंग कर रहे, 3 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन जब विकेट गिरी हुई थी तो वहां पर उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, यही खासियत है इसकी, पिकअप शॉट बहुत अच्छी थी, लंबा फॉरवर्ड आगे से बॉल को ले रहे थे, और आज के मैच को जो टर्न किया बैटिंग में तो यादव ने किया, बहुत अच्छी बैटिंग की है, चाहे फास्ट बॉलर को खेलें या स्पिन को, स्पेशली इनके ऊपर था थोड़ा प्रेशर तो होगा, जब 3 आउट हो गए, मेन प्लेयर आउट हो गए, ऋषभ भी आउट हो गए, रोहित भी, विराट भी आउट हो गए, तो सारा प्रेशर इनके ऊपर आया, उन्होंने लिया, कबूल किया उसको, और आज का मैच मैं समझता हूँ, बाद में तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, लेकिन मेन जो आज थे इस मैच के कल्प्रेट वो सूर्य कुमार यादव थे, जहाँ डेंजर होगा ना वहाँ पे ये रन करते हैं। इसको कैसे देखा आपने आज? गुड कंड्यूसिव पिच, अच्छी पिच थी, बैटिंग अच्छी की ना, 160 की पिच के ऊपर 182 रन किए, तो टॉस जीत के सही बैटिंग की है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर 160 करता ना, इनकी बॉलिंग आती है ये पीछे पड़ जाते हैं, और आज 3 आउट होने के बाद भी गेम को ले गए 182 तक ले गए, और एक बड़ा स्कोर होता है उसके बाद ले जाते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो उनके भी 8 खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान की टीम ने आउट किए, और इतने यादव के अलावा किसी ने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। देखिए अगर आप इंडिया की आज परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस कमांडिंग थी, इंडिया ने जो मैच खेला वो कमांडिंग अंदाज से खेला, गो के उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़ा कंसर्न उनका है, ना रोहित शर्मा से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, ना विराट कोहली से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, और ये दोनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, ये दोनों एक्सपीरियंस का निचोड़ है इस टीम में। ये तो अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव ने आज एनएफ सेंचुरी स्कोर की, 28 गेंदों पे 53 रन बनाए, 32 किया हार्दिक पांड्या, ये सबसे क्रूशल पार्टनरशिप थी इनकी इनिंग की, कि जो एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए, 181/8, वरना ऐसा लग रहा था शायद इंडियन टीम 160 रन भी कर जाए तो बड़ा टास्क होगा। लेकिन अफगान बॉलर्स ने आखिर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि जैसे जो उन्होंने बॉल चैनल्स पे किए थे, हमने देखा था शुरू के अंदर राशिद ने बॉलिंग की थी, फजल हक फारूकी ने बॉलिंग की थी, वो एंड में मुझे
उनकी बॉलिंग वो काट नजर नहीं आई, जिसकी वजह से 181 रन तक रन हो गया। और अब आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल किया। दुनिया का नंबर वन चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। अब ये तो नहीं होगा कि IPL में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। IPL के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी आके, वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अफगान क्रिकेट को बनाया, लेकिन अफगान क्रिकेट अचानक जब वो इम्प्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा, तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन बोतल वाला जिन नहीं था वो जो होता था कि एकदम से खोला तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से गुरबाज बैटिंग के लिए आए थे, उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए आए थे, वो पहली गेंद पे क्रीज से निकल के हिट कर रहे हैं। भाई ये कोई पिंडी की विकेट नहीं है या कोई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर की पिच नहीं है, ये पिच फिर भी रिस्पेक्ट देने वाली पिच जरूर है। तो मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये भी बताऊं कि 47 रन से इंडिया ने जो है वो नसीम भाई अफगानिस्तान को हरा दिया। 50 रन से हरा था तो और शाबाशी मिलती, वैसे पूरे 50 रन से हारे हो। बस ये कि 47 तो हमारी वैसे भी मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1947 हाँ, तो उस लिहाज से, लेकिन हमारा उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के मैच में जो भी होगा। लेकिन बात यह है कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, बात यह कि लोगों को मजा नहीं आता थे, हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई डेफिनेटली क्रिकेट के लिए आपने, क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है वो कि अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा। और इतना बड़ा बॉलर राशिद खान, नो डाउट अबाउट इट, बहुत जबरदस्त स्पिनर है, लेकिन आज तक वो विकेट ही नहीं ले पाए थे। आज गलती हो गई उनसे, और जो उसके अलावा आखिर में बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी स्लो थी। हमारे लिए शायद अमेरिका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, और जो भी गलत करेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बताएं बासित भाई, अफगानिस्तान आज उतना इंप्रेस नहीं कर सका, विराट कोहली क्या चक्कर है आपके? 29 रन पूरे वर्ल्ड कप में अब तक है। एक दो शॉट आज ऐसे लगे, लेकिन रन अ बॉल 24 यानी 24 बॉलों में 24 जाहिर है वरिंग होगा इंडिया के कैंप के लिए। हाँ, और आप मुस्कुरा रहे थे भाई मेरे सवाल में। मुस्कुरा इसलिए रहा था कि देखिए उनकी टीम में 5 ओपनर नहीं खेल रहे, एक सही है। दूसरे उनके पास बॉलिंग कंप्लीट है। फिर विराट कोहली के ICC इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, एवरेज उसकी 67 की है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं, तो कंडीशन टफ थी, कोई फर्क नहीं पड़ता विराट कोहली के लिए, उसको पता है कि मेरी टीम जीत रही है, प्लेयर्स भी पीछे पड़े हुए हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, रोहित शर्मा से भी पता लग रहा है ना कि इंडिया की टीम जो है वो, यानी उसकी वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है, एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर रहे, एक टीम है तो दुनिया में जाके डोमिनेट कर रहे हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम है, कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज 2 बार जीत के आ गए हैं। बाबर पे सारा डिपेंड करते हैं, लेकिन वो उसने इंडिया के अगेंस्ट कितने मैच जीते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में सबसे बड़ी जो जंग होती ना कि आपस में जो परफॉर्मेंसेस होती ना वो बहुत याद रखी। देखिए विराट कोहली की आप देखें एवरेज, जो उसकी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है ना, अभी किसी 12-13 साल के बच्चे से पूछेंगे ना उसको याद होगी जी, क्यों ऐसी परफॉर्मेंस है उसकी। जितना अच्छा विराट कोहली खेलता है उससे डबल ज्यादा अच्छा बोलता है वो, कहता है लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं कहता हूँ यकीन पे दुनिया कायम है। वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है इंडिया से हार गई। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है, क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं लोग कहते हैं? देखिए ये अब लोग ही समझते हैं, लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया, बिल्कुल मैंने इसीलिए ज्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। हाँ जी, वेस्ट इंडीज में ज्यादातर यही हमें नजर आ रहा था कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। लेकिन देखिए इंडिया के पास एडवांटेज बहुत है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं, आप देखें उनके पास 3-3 स्पिनर्स खेल रहे थे आज। जी बिल्कुल, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं और वो जडेजा जो है वो खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्पिन अटैक वो भी बड़ा तगड़ा है, बैटिंग तो है ही। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं, देखिए आज फिर विराट कोहली 24 रन 24 बॉलों पे, सर वो तो चेक कर लें, स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट, और ये जरूर बाबर आजम अगर 100 के स्ट्राइक से खेल रहा था बर्बाद, हमारे जो इंडिया के चमचे हैं कह रहे होते कि बाबर क्या क्रिकेट खेलता है, बाबर अपने लिए खेलता है, और जरूर आज अगर उनको देखेंगे वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि विराट कोहली स्लो खेला, वो पता क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी जिसकी वजह से विराट थोड़ा सा संभल के खेल रहा था, संभल के खेला, संभल के खेला, ये बाबर स्लो खेल, बाबर स्लो, ये वर्डिंग इनके लिए होगी।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान की हार पर पाकिस्तानी बिलबिला रहे थे कि भाई भारत जो जीता है वो तो अफगानिस्तान ने फेवर किया है, कोई कह रहा है कि भाई टॉस फिक्स हुआ है, कोई कह रहा है कि भाई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुए, मतलब क्या क्या ये कह रहे हैं, मतलब जब हम कोई जीत जाए तो हम फिक्स करके जीतते हैं, तुम जब जीतते हो तो तुम ईमान से जीतते हो, जज्बे से जीतते हो, तो फिर तुम जब भारत से हारते हो तो क्यों हारते हो, मतलब क्यों हारते हो तुम भारत से, ऐसा तो नहीं है कि तुम भारत से हारो, कुछ तो रीजन तो होगा, होता ही होगा, अगर अफगानिस्तान की हार का रीजन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम हमारे जो हमारे साथ जो हारते हो तुम्हारा क्या रीजन है, तुम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमसे लेते हो। तो ये जो 2% का बयान है इसको देना बंद करो, वैसे भी तुम्हारी जो लॉजिक है वो तुम्हारे घुटनों पर है, उसको कोई सुनता नहीं, पसंद नहीं करता, पाकिस्तानियों को इसी बात के लिए आज दुनिया में उनकी थू हो रही है, और इस तरीके की बात है जब भारत से जब भारत जब किसी जीता है इस तरीके से तुम जलते क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी टीम कुत्तों की तरह हार रही है, वर्ल्ड कप से कुत्तों की तरह सुपर से बाहर हो चुका है, इसीलिए तुम्हारा जलना अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो अगले साल तक अगले साल उसके अगले साल ऐसे ही तुम्हारी टीम बाहर होगी अगर इस तरीके की तुम्हारी हरकत रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।